पहले बड़ा वाला सेक्टर निकालेंगे, उसमें से छोटा वाला सेक्टर हम माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे पास आ जाएगा. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी. सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी की बात करें तो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर है मेरे पास ओ बी का स्क्वायर, देन थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आर है मेरे पास यहां पर ओ डी का स्क्वायर. तो बड़े वाले सेक्टर के लिए रेडियस ओ बी हो जाएगा, छोटे वाले सेक्टर के लिए रेडियस ओ डी हो जाएगा. पुट कर लेते हैं, थीटा कॉमन रहेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई बाहर निकाल लें तो यहां जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. फिर उसके बाद जीरो से जीरो कट, 3 12 36, 1/12 पाई की वैल्यू एज सच कुछ दिया नहीं हुआ तो हम 22/7 पुट कर सकते हैं. ओबी की वैल्यू यहां पर 21 दी हुई है, 21 स्क्वायर ले सकते हैं. ओडी की वैल्यू यहां पर 7 दी हुई है, यहां 7 स्क्वायर ले सकते हैं. ये आ जाएगा मेरे पास 11 और ये आ जाएगा मेरे पास 6. 11/6 × 7 ये पार्ट आया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो एक बार, 21 + 7 करा सकते हैं, फिर 21 - 7 करा सकते हैं. 11 × 6 × 7 21 + 7 होता है 28, 21 - 7 होता है 14. तो 7 × 2 आ गया मेरे पास 14. फिर ये आ जाएगा 2 × 3 = 6. फिर यहां पर 3 के टेबल में 28 तो आता नहीं है तो हम यहां पर 28 × 11 करा लेंगे. 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. तो 308/3 cm² आंसर ये दिया हुआ है.